अस्सलामुअलैकुम, दुआ है आप लोग खैरियत से होंगे। एक और अपडेट के साथ, जैसे हमने आपसे जिक्र किया था, सकी हसन चौरंगी से कलंदरिया तक रोड के दोनों तरफ जो है जितनी भी गैलरियाँ वगैरह बनाई गई हैं गैर कानूनी तौर पर, उनके खिलाफ एक भरपूर एक्शन KMCLT इंक्रोचमेंट टीम की तरफ से शुरू किया हुआ है। और इसकी असल वजह यह है कि यहाँ पर सर्विस रोड निकालना है, यानी नया नाजाबाद का जो फ्लाई ओवर ब्रिज है उसके बाद रोड अगर आप चलते हैं तो वो छोटा है और सर्विस रोड है ही नहीं, ना फुटपाथ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कूलों की जानिब से गैर कानूनी तौर पर काफ़ी बड़ी बड़ी जगहों पर कब्ज़ा हम कह सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, कब्ज़ा कह सकते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर तो हमने ये देखा कि ग्रीन बेल्ट बना दी गई है, बड़ी खूबसूरत ग्रीन बेल्ट बनी हुई है, लेकिन जगह वो घेरी हुई है और वजह यह है कि फिर सर्विस रोड नहीं, फुटपाथ नहीं। अब सिंध लोकल प्रोजेक्ट जो शुरू हुए हुए हैं और पीपल्स पार्टी के दौर में ये काम स्टार्ट हुआ था, जैसे शाहराह नूर जहाँ का आप देख लें और अब्दुल्ला कॉलेज से लेके कलंदरिया चौक तक दोनों अतराफ रोड, बरसाती नाले, सीवरेज की लाइनें, पानी की लाइनें और डाली गई हैं और वो एक काम आखिरी मराइल में है। और अभी हम आपको इंशाल्लाह ताला एक दिन में अब्दुल्ला कॉलेज तक की रिपोर्ट देंगे, वहाँ पर बरसाती नाले पर तेज़ी के साथ काम जारी है। तो ये आप देख सकते हैं इस वक्त जितनी भी गैलरियाँ वगैरह हैं, शेड वगैरह, बोजरिया मशीन, यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को तोड़ने का अमल जारी है। काफ़ी बड़ी बड़ी जगहें हैं और अब जो है सर्विस रोड भी बनाया जाएगा और फुटपाथ भी बनाई जाएगी और उसके बाद जो थोड़ी बहुत जगह है वहाँ पर ग्रीन बेल्ट बनेगी और उसके साथ साथ स्ट्रीट लाइटें वगैरह भी लगाई जाएंगी और नॉर्थ नाजाबाद को मॉडर्न नॉर्थ नाजाबाद में तब्दील करने का अमल जारी है। बजरिया मशीन इस वक्त की कार्रवाई जारी है और हमने आपको बताया था कि कलंदरिया से ये कार्रवाई शुरू की गई है स्टार्ट और अब जल्द ही सकी हसन चौरंगी तक पहुंचने वाले हैं। कुछ ही फासले के बाद सकी हसन चौरंगी और फिर रोड के दूसरी तरफ ऑपरेशन भी किया जाएगा, वहाँ पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी झाड़ियाँ हैं और गैलरियाँ वगैरह उन सबको हटाया जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी दमदम वगैरह लगाई गई हैं और उसके अंदर आप देख सकते हैं कितनी जगह घिरी हुई है। अब मजबूरी है, इन तमाम ग्रीन बेल्ट को भी हटाना पड़ रहा है क्योंकि जाहिर बात है इधर सीवरेज की लाइनें डलनी हैं नई, क्योंकि जब से काफ़ी टाइम हो चुका है यहाँ पुरानी सीवरेज की लाइनें हैं, बरसाती नाला की बहुत बुरी हालत है, वो तमाम काम किए जाएंगे। और ज़्यादातर यहाँ पर मैंने जैसे आपसे जिक्र किया स्कूल बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, प्राइवेट स्कूल। अब ये गैलरियाँ ख़त्म होने के बाद फिर यहाँ पर जल्द ही सीवरेज की लाइनों के सिलसिले में काम शुरू कर दिया जाएगा। तो सारा मकसद यहाँ पर इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने का मकसद ये है कि इधर सर्विस रोड और नए सिरे से सीवरेज की लाइनें और बरसाती नाले वगैरह बनाए जाएंगे। KMCLT इंक्रोचमेंट के एहलकार अफसरान और इलाकाई पुलिस यहाँ मौजूद है।
ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें कितनी बड़ी बड़ी जगहें हैं जो कि एक्स्ट्रा घिरी हुई थी और गैर कानूनी तौर पे, और कहीं पर ग्रीन बेल्ट बना दी गई थी और कहीं पर पार्किंग भी बनी थी। टीएमसी के अफसरान इस वक्त हिदायतें जारी करते हुए कि गाड़ी अंदर से निकाल लें बाहर, किसी गाड़ी को नुकसान ना हो। और एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी अपडेट में, इससे पहले वीडियो में, कि निशानत एक महीने पहले लगा दिए गए थे और इन तमाम को नोटिस दिए जा चुके थे, जिसमें ज़्यादातर स्कूल इंतज़ामिया थी और जो बेंगलोर वगैरह थे रिहायशी, उनको भी बता दिया गया था कि ये तमाम चीज़ें हटाई जाएंगी यहाँ से। टीएमसी के अफसरान डिप्टी डायरेक्टर रेहान साहब इस वक्त हिदायतें जारी करते हुए अपने एम्प्लॉयज़ को, ये देखें ये निशान लगे हुए हैं काटम के, इसके जो कि मैंने आपसे जिक्र किया एक महीने पहले लगाए दिए गए थे और नोटिस जारी कर दिए गए थे। मेन रोड काफ़ी छोटा है, जबकि अब सर्विस रोड भी बनेगा तो काफ़ी आसानी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि जिस तरह की डी ए चौरंगी, फाइव स्टार चौरंगी, इन जगहों पर पहले सीवरेज की लाइनों का काम, बरसाती नालों का काम, ये मुकम्मल होने के बाद वहाँ पर रूट कनेक्टिंग की गई। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी है हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफिज़।